सॉरी, हम गलत जगह पे आ गए थे। यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है, यहाँ पे हम लोग चले जाएँ और यहाँ पे बन रहा है खाना। तो इस तरीके से यहाँ पे ख़ास तौर पे लोग हैं, बेहद ही ठंडी में खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाओ, इतनी ठंडी में इतनी गर्मा गर्म रोटी जो ये भाई साहब बना रहे हैं और मुस्कुराते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया, कितनी प्रोसेस लगती है। गेहूं और सब नीचे से कैसे लाते हो आप? आटा आता है, पिसा हुआ। कैसे आता है आटा? खच्चर पे, घोड़े पे। खच्चर पे, घोड़े पे। वाओ, बेहद ही अच्छी ये गर्मा गर्म रोटी हम खाने वाले बस थोड़ी देर में। और ये बिल्कुल जो हमारा कैंप लगा हुआ है उसके बाजू में ऐसा रसोई घर बना हुआ है जहाँ पे सब्जी भी बन चुकी है। आप देख सकते हैं आज खाने में वैसे है ये दलिया शायद लग रहा है, साबूदाना की खिचड़ी। ओके, सेहत के लिए बेहद ही अच्छी होती है। और ये सब्जी कौन सी आज? दाल है। अच्छा, सब्जी कौन सी है? सब्जी पत्ता गोभी आलू। पत्ता गोभी आलू है, ओके। और यहाँ पे ये शायद राइस का कुकर लग रहा है ना? हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जाता है और लोग यहाँ पे गर्मा गर्म खाना हमें पिरोसते हैं। तो ये था हमारा रसोई घर जो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ कैंप के बिल्कुल बाजू में ये कैंप है हमारा। और सारे लोग बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप है वो गप्पे लड़ाते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे मैं भी वहाँ पर थी लेकिन मुझे ऐसा सूझा कि चलो वीडियो बनाते हैं, आज लास्ट दिन है तो मज़ा आएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं और चलिए कुछ सबसे बातें भी करते हैं रसोई घर के बाद। अब ये सीधा यहाँ पे कुछ गप्पे लड़ाना शुरू हो रहा है। ये देखो ये लोग है ना, हम अंडे में तो 40 केजी रखा जाएगा, ठीक है और सही पता चला ना। ये लोग क्या बातें कर रहे हो आप लोग? जिम करने की, जिम करने की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे? नहीं, कल घर जाके जिम करेंगे। घर जाके दूसरे सेट में बात ऐसे कर रहे थे कि लाइट, हाँ लाइट तो है फिर बैटरी लगा के घूम रहे हैं। दूसरे सेट में मैंने क्या किया, 5-5 किलो वेट बढ़ा लिया, 15-15 किलो की स्क्वाट्स की। उसने क्या किया, मेरे 5 किलो की हटाई प्लेट, 10 किलो की लगा दी। उसने 20 किलो की स्क्वाट की, 20 किलो ईच साइड। मैंने कहा ठीक है। तीसरे सेट में मैंने भी 20 की उठाई, मैंने भी कर लिया। तीसरे सेट में उसने 5 की और डाल दी। मैंने कहा नमो नया उसको साक्षात, मेरे बस का नहीं है इससे ज़्यादा। तो जिम की बातें हो रही है यहाँ पे? यार फुल स्क्वाट कर रही थी वो। क्या बात कर रहे हो? 70 केजी कंधे पे रख के ऐसी पतली सी लड़की। ऐसे ऐसे नहीं बोला था, पहले बोला ऐसी लड़की थी, मरी हुई सी थी। मतलब पतली सी लड़की थी, मरी हुई सी। फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत उसका उसमें कि हार नहीं है। नहीं पहले के नहीं, के लड़के कैसे बात करते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये बोल रही हूँ कि पहले ही दिन पहचान लिया था वर्षा को कि ये लड़की बहुत फिट है ना। मतलब जब एक्लिमेटाइज वॉक हुआ था उस दिन की बात है। अच्छी बात है, होना चाहिए। मतलब हर एक को होना चाहिए, लड़का लड़की कोई भी हो। सलाम किया तो पैर ऐसे रख और अपना नाक पैर तक छुआ के दिखा। चल नहीं रखता भाई मैं। अरे बाप रे, ये होने वाली कुछ आज तुरंत करेगी ये तो। ऐसी खड़े खड़े सो निकल। कांट यू डू इट स्टैंडिंग? हाँ होता है ना, अपन तो 90 डिग्री मोड़ देते हैं। जिसकी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उसका होता है। वो भी बॉस के आगे। चलिए यहाँ पे तो जिम की बात हो रही है और यहाँ पे मेरा टेंट ये वाला है, ये जहाँ पे खुशी सोई हुई है। और वहाँ पे चलो खुशी को भी उठाते हैं। हाय खुशी। हाय, सो था वो कहीं नहीं तो केम सूती छे આવી રીતે શું છે ઠંડી લાગે છે કે ઠંડી લાગે છે એટલે સૂતી છે સાચે શું થયું જાને એન આંખમાં લાઈટ પડે છે તો પણ આંખમાં લાઈટ ના પડે તો પછી વિડિયો ના બને કાલે દેહરાદૂન નો પ્લાન છે, રે કાલે આજે છેલ્લો દિવસ છે, રાઈટ? મજા આવી?
जबरदस्त की भी मजा आई तारो एक्सपीरियंस के हो रहा है क्या ताकत तोई मजा आई हां जबरदस्त एक्सपीरियंस रहो लाइफ टाइम याद रहे से अने बहुत जबरदस्त स्नो हतो हां अने क्लाइंब करियो बत्ता ने याद करया हां अने बस यार बहुत मजा आई गई बहुत मजा आई तन मारी जोड़ मजा आई यूं थोड़ा मारो ऐसे तो थोड़ा के तारा मैं ते सु कहू मजा आई गई जोरदार ना ना यूं नहीं सारू खराब बधू खराब तो कहीं नहीं वीडियो चले खराब तो ना बोला मस्त कंपनी रही टेंट मा भी अने अपने अपनी जूनी जूनी बातों याद करी ने मजा करी हाँ अत्यारे आँख में तन सख्त लाइट पड़ छे तभी तू बोले छे कितली तू मने सहन करी रही छे सहन नहीं पण यार खरेखर बहुत मजा आई गई अने બસ આખો ટ્રેક આખી લાઈફ યાદ રહેશે હા અને ખરેખર ગ્રુપ પણ એટલું મસ્ત આપણને અમને લોકોને મળ્યું છે કે બહુ જ મજા આવે એવું છે મારો ચહેરો છે ને ઓળખાશે નહીં એકદમ મારા લિપ્સ બી ફાટી ગયા છે અને મને તો એવું કહી દીધું છે કે મારું 68 જ ઓક્સિજન છે અને ઘણું બધું ટેન્શનમાં આવ્યા છે કેમ્પવાળા કે પાણી પીયા કરો આ કેટલી બધી મને કીધું છે કોલ્ડ છે તો મેં દવા પણ લીધી છે ઊંઘ આવે છે નથી પણ આવતી તને ઊંઘ આવે છે ખુશી ના એક દિવસ આવી હતી ખાલી એ પણ વચ્ચે વચ્ચે જાગી જવાય પણ કેવું એક્સાઇટમેન્ટમાં અમુક વાર ઊંઘ ના આવે અમુક વાર વિચારો આપણે નેચરની વચ્ચે હોઈએ ને તો બધાની યાદ આવે બધાના વિચારો આવે લાઈફને અને આપણને આપણી જાતને કનેક્ટ કરીએ તો તું કહે છે ને કે તું બહુ ચૂપચાપ રહી છે તો હું મારી લાઈફને અને મારી જાતને મારી સાથે કનેક્ટ કરીને બધું વિચારતી હોઉં તો આવા બધા એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ટ્રેક પર જ થાય ઘરે એકલા બેસીને કે ક્યાંય બીજી કોઈ જગ્યાએ ના થાય એટલે ટ્રેક કરવા જ જોઈએ અને એટલે જ કદાચ કાલે હું રડી ગઈ હતી એકદમ જોરદાર વાળી તો બસ એવું ઇમોશનલ હું બી થઈ જઉં છું અમુક વાર અને ખાસ માઇનસ પોઈન્ટ્સ પણ ઘણા છે જો તમે આ ટેન્ટ જુઓ અમે આટલા ટેન્ટ ની અંદર આ અમારું ઘર છે એને એવું કહી શકાય કે અમારું ઘર છે અને અહીંયા બધી જ વસ્તુઓ પડેલી છે આ મારા કાલના પહેરવાના કપડાં મેં અલગ કરી દીધા છે આ સિલ્વર ફોઇલ જે હમણાં અમે લોકો ખાઈશું એની માટે છે પાણીની બોટલ છે આની અંદર બધા મોજા છે આપણું લગેજ એક બેગ જ છે આ બધું રાત્રે પહેરવાનું બધું છે પગમાં પહેરવાનું હાથમાં પહેરવાનું અચાનક કંઈ ઠંડી વધી જાય તો આ લગેજ બેગ છે જેને અમે ઓશિકા તરીકે યુઝ કરીએ તમે અત્યારે બી જોઈ શકો છો રાત્રે પછી તમે જયારે ઉઠો ને ત્યારે આ જે અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે ને વ્હાઈટ ત્યાં બરફ જામેલો હોય અથવા તો ઝાકળ હોય એવી ફિલિંગ આવે રાઈટ જો આ ખુશીનું બેગ છે એ કદાચ એને યુઝ કરશે ઓશિકા તરીકે અને જે બ્લેક દેખાય છે એકચ્યુઅલી અમારી સ્લીપિંગ બેગ છે અને એની ઉપરનું જે કવર છે એ એની અંદર જવાનું તમારે અને પછી કંબલ છે અને કંબલ પણ છે આવું એટલે અને મારી એક છીક મને આવવાની તૈયારીમાં છે ના ના જતી રહી દવા લીધી છે એટલે સારું છે પણ સખત ઠંડી લાગે છે એટલે આ અમારા ટેન્ટનો અંદરનો માહોલ મેં તમને બતાવ્યો અને બહાર તો બધી પબ્લિક વેરાઈ ગઈ છે બસ ચલો તો થોડી વારની અંદર જ્યારે જમવાનું થશે ત્યારે ફરી એકવાર અહીંયા ભેગા થઈશું અત્યાર માટે તો બાય બાય